दोस्तों, उड़ीसा भारत का एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां पर दुनिया के अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। यहां के जंगलों में किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं जिसके काटने के बाद इंसान का बचना नामुमकिन है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कुछ ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, दरअसल यहाँ एक रेलवे ट्रैक पर एक नाग मर गया था और उसी के ऊपर से ट्रेन चली गई। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख भी आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। गुंटूपुरम नामक गांव में एक शालिनी नाम की लड़की रहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सज्जन एवं सुशील थी। उसके कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड हो जाया करते थे क्योंकि उसकी बोली भाषा, उसकी कुछ नेचर ही ऐसा था। और वह सांपों को रोज दूध पिलाया करती थी, सांपों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और उन्हें अपना पालतू जानवर ही समझा करती थी। तभी शालिनी को बहुत ही ज़्यादा वो सांप चाहने लगते हैं, नागिन और नाग का जोड़ा। एक दिन तीन लड़के शालिनी के पीछे पड़ जाते हैं और वह तीनों लड़के उसको कुछ गलत करने वाले होते हैं जो कि उसे जंगल की तरफ खदेड़कर भगा ले जाते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। और वह डर के मारे भागती जाती है शालिनी। तभी वह सुनसान जंगल के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाती है तो वहां वह नागिन और नाग का जोड़ा फन काढ़े खड़े होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उसे बचाने वाले होते हैं। आज उन तीनों लड़कों की तो खैर नहीं क्योंकि यह इन नागिन नाग उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ये नागिन नाग का जोड़ा की दोस्त थी शालिनी और यह उन तीनों लड़कों ने इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। यह नागिन और नाग के जोड़े को देखकर ये तीनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से शालिनी को भागने का मौका मिल जाता है जिसके कारण वह बहुत ही दूर भाग जाती है और वह लड़के उसे नहीं पकड़ पाते। तो दोस्तों, कुछ आपने सीखा, जानवर जितना ही चाहे पालतू हो लेकिन वह हमारा दोस्त बन जाता है। फिर एक लड़का ने मारा पत्थर और नाग उसका मर जाता है, नागिन का। गुस्से में वह तीनों लड़के इतना ज़्यादा उस नागिन और नाग को मारना चाहते हैं लेकिन नागिन तो भाग जाती है किसी तरह। लेकिन नाग को उन्होंने गुस्से में उठाकर मारने के बाद जब दिल नहीं भरा तब उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ देते हैं जिसके कारण रेल उस पर चढ़ जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। यह सब कारनामा नागिन छिप कर देख रही होती है। लेकिन अब यहाँ से शुरू हुआ असली ट्विस्ट, नागिन का बदला। आप तो जानते हैं नागिन बदले लेने से नहीं चूकती। तो धीरे धीरे नागिन उन तीनों लड़के जब सो जाते हैं तो उनके बिस्तर पर जाने लगती है। सुरसुराहट की आवाज़ भी नहीं लगती उन्हें और धीरे धीरे जाकर उन सभी को डस लेती है और उनका खेल समाप्त। तो नागिन का बदला तो आप सभी जानते होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।